सोलन में चुनावी माहौल बहुत गर्म हो चुका है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पुरजोर प्रयास कर रही है कि वे इन चुनावों में जीत हासिल करे, इसलिए वे घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वायदों का दौर चल रहा है, समस्याओं को हल करने के बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं। वार्ड नंबर 5 से कांग्रेस प्रत्याशी बृजमोहन शर्मा के अनुसार उनके वार्ड में विकास की बेहद कमी देखी गई, जिसके चलते लोग बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं, इसलिए वे चुनाव लड़ रहे हैं। बृजमोहन शर्मा ने कहा कि उनका बेटा फौज में है और वे देश की सेवा कर रहा है, उसी तर्ज पर वे अपने बाढ़वासियों की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने बाढ़वासियों को सभी सुविधाएं देना चाहते हैं जो उन्हें पिछले कई वर्षों से नहीं मिली। वे अपने बाढ़ को सोलन का सबसे खूबसूरत बाढ़ बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बाढ़ में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, सड़कों का रखरखाव ठीक नहीं है, चारों तरफ गंदगी फैली रहती है, कुत्तों और बंदरों से यहाँ लोग बेहद दुखी हैं। वे बाढ़ से जीत कर इन समस्याओं को हल करना चाहते हैं। मुद्दे ये हैं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, पानी ब्लॉक हो जाता है, यूरिनल कोई नहीं है, जब गंज बाजार से लेकर शहर कहीं यूरिनल नहीं है। लेडीज़ के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, यूरिनल के बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, टैले निकली हुई हैं, ठोकरें खाते, कोई ध्यान नहीं देता, फ़ोन कर दो तो फ़ोन पर कोई आता नहीं, पानी की पाइपें टूटी होती हैं, कोई केयर नहीं करते, चाहे पानी वेस्ट जाता है ना, तो हमारी यही बुलाने के पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो उस पहले सोल्व की जाएगी। फिर सैनिटेशन की बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर गली गली में कूड़ा उठाने जाते हैं, मुश्किल है, लोगों ने सेफ टैंक नहीं बनाए हुए, कहीं उनको रिक्वेस्ट करेंगे ताकि सेफ टैंक वगैरह बनाए। मेन हमारी यही है, सैनिटेशन का हो गया, पानी का हो गया, रोड वगैरह का हो गया। छोटी छोटी गलियाँ हैं, टूटी पड़ी हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, कोई जाके भी राजी नहीं होता। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ क्योंकि मैं लोकल ही हूँ, सब जानते हैं, तो सबके एक ही कंप्लेंट होती है कि जी हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा है। मेन ये प्रॉब्लम है, ये जो दूसरे लाला जी है उनका तो ये होता है कि दुकान से उठते नहीं हो, एक बार बात सुन ली आ जाए जी कर दिए, मैंने फ़ोन कर दिया आपके साथ, कोई नहीं आता, कई दिन वो परेशान रहते हैं, तो उनकी परेशानी ये हर जहाँ भी जाता हूँ उनकी यही कंप्लेंट होती है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, थोड़े थोड़े काम के लिए वो बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, कुछ नहीं, बच्चों की मेरी शादी हो चुकी है, बेटा आर्मी ऑफिसर है, मेरे दिल पे भी यह है कि जज्बा सा पैदा हुआ कि वो आर्मी फौज रह के इसकी सेवा करा जनता की, मैं जनता की सेवा करता हूँ, इसलिए मैं इसको इंटरेस्ट है मेरे को हुआ, इसके लिए मैं लड़ रहा फाइट कर रहा। हमारे माध्यम से आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मतदाताओं के तो मेरी यही अपील होगी कि भाई मेरे को आप जैसे सपोर्ट कर रहे हैं सारे सपोर्ट करें, जब मैं चुन के आ जाऊँगा हर एक के घर जाऊँगा, हर एक की समस्या को सोल्व करूँगा, मेरे पास टाइम ही टाइम है, मैं फ्री हूँ, मेरे पास कोई किसी का बहाना भी नहीं है, जिनता मैं सेवा करूँगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ आने वाले टाइम में लोग याद रखें कि कोई पार्षद यहाँ से जीता था, अब मेरी सपोर्ट करेंगे तो आगे 5 साल तक कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मेरा मेन मतलब यही है।